कर्नाटक के सांसद प्रवचन रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल के कई वीडियो सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि अब इस सेक्स स्कैंडल के कारण भविष्य में राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों से जुड़े और अधिक अपमानजनक वीडियो सामने आ सकते हैं। आरोप है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रतिशोध और एक दूसरे से आगे निकलने के संदिग्ध खेल में लगे हुए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने के 33 वर्षीय पोते प्रज्वल को लेकर उठे विवाद के तुरंत बाद एक नया फुटेज सामने आया। इस वीडियो में कथित तौर पर पड़ोसी जिले के एक कांग्रेस विधायक की संलिप्तता है। हालांकि इस वीडियो से अभी तक उतना हंगामा नहीं मचा है जितना कि हासन के सांसद से जुड़े कथित वीडियो ने मचा रखा है। चूंकि कर्नाटक के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में लगातार अश्लील वीडियो का प्रसार राजनेताओं को परेशान कर रहा है, इसलिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि JDS के नेता न केवल प्रज्वल को फंसाने वाले कथित वीडियो के कारण बल्कि देवेगौड़ा की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के कारण भी क्रोधित है। हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ जवाबी कार्रवाई हो सकती है। वहीं बढ़ते विवाद के बीच KS ईश्वरप्पा के बेटे KE कांतेश ने उनके खिलाफ किसी भी अपमानजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए निरोधक आदेश प्राप्त कर लिया है। इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए JDS के वरिष्ठ विधायक के GT देवेगौड़ा ने टिप्पणी की है। वे देवेगौड़ा को सिर्फ इसलिए बदनाम कैसे कर सकते हैं क्योंकि उनका पोता किसी मामले में शामिल है। उनका लंबा कैरियर दिखाता है कि वे कौन हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि एक गंदी राजनीति है। वहीं सूत्रों ने बताया कि इन वीडियो ने कर्नाटक के राजनीतिक माहौल पर पहले ही असर डाल दिया है। राजनीतिक टिप्पणीकार विश्वास शेट्टी कहते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं राजनेता अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए सेक्स वीडियो को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर इसमें कारगर साबित होता है। चिंता की बात यह है कि मुख्य धारा का मीडिया पीड़ितों की पहचान छिपाता है, लेकिन सोशल मीडिया और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर यह सब खुलकर हो रहा है। वहीं पिछले 2 दशकों में कर्नाटक में कई सेक्स स्कैंडल हुए हैं जिनमें विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल हैं। इन स्कैंडलों के कारण इस्तीफे जांच और कानूनी लड़ाइयां हुई है जिससे राजनीतिक परिदृश्य पर नकारात्मक असर पड़ा है। साल 2019 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने यौन संबंधों के लिए प्रलोभन देने के आरोप के बीच इस्तीफा दे दिया था क्योंकि एक वीडियो CD में कथित तौर पर एक पीड़िता के साथ दिखाया गया था, लेकिन इसकी प्रमाणिकता अभी भी अपुष्ट है। इसी वर्ष तत्कालीन भाजपा विधायक अरविंद लेबावली से जुड़ा एक कथित सेक्स टेप सामने आया था, लेकिन बाद में फॉरेंसिक जांच में इसे फर्जी बताया गया था। आपको बता दें कि JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि हासन सेक्स स्कैंडल की जाँच कर रही SIT ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। SIT की तरफ से ये एक्शन तब लिया गया है जब प्रज्वल रेवन्ना और उसके खिलाफ पिता डी रेवन्ना 30 अप्रैल को जारी नोटिस पर पेश नहीं हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।